हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज हम एक साल से एक चीज़ का प्लान कर रहे थे, ले या ना ले क्या करें, और फाइनली आज का दिन आ गया है। हम एक चीज़ ले रहे हैं, आपको थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, बट वी आर प्रीटी मच एक्साइटेड। दो दो मास्क भी लेके घूम रहे हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, बस कॉल का वेट कर रहे हैं। सून आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। So this is our little surprise. We got a dog. And she's so cute. और female है, लेब्रा है, और नाम हम लोग अभी सोचा है कि नहीं, नाम पे हम पोल लेंगे। नाम पे हम पोल लेंगे, दो तीन नाम हमने रख सोचे दिमाग में। तो अभी घर पे जाते हैं, थोड़ा इसको फूड देते हैं, पानी देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अंजलि क्यों रो रही है तू? बहुत क्यूट है यार। अरे पर मत रो। मैंने इतनी क्यूट चीज नहीं देखी कभी। क्यों रो रही इतना? अरे बाप रे, कितनी मस्त हो रही है देखो। मैंने सुलाया है। क्या? मैंने सुलाया, खड़ी थी, खड़ी सो थी? नहीं रही थी, फिर मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा किया ना, इसको रब किया तो सो गई। अब तो मुझे छोड़ तो नहीं देगी ना? छोड़ दूंगी मैं तो क्या। फर्स्ट टाइम खाना। कैसे पड़ी है ऐसे देखने के बाद? पसंद नहीं आया तो अंजलि को खिला देंगे। अच्छा। मैं सैलेड बहुत खाती थी पहले, आज तो भी मैंने बहुत। कुत्तों का सैलेड और इंसानों का अलग होता है क्या? हां, आई थिंक अलग ही होता होगा। आई हैव नो आईडिया। टेस्ट कर लेना। टेस्ट करना है? नो, टेस्ट करना। कुत्ता बड़ा हो जाएगा तो कटवाऊंगी फिर से। मैं तो टेस्ट करने वाली थी। मैं टेस्ट करने वाली करके मुझे आदत है ना वो टेस्ट करने, बस गरम नहीं यार। कर लेके थोड़ा टेस्ट। पर पानी है अपने पास? इस सैरलैक में पानी पानी थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे नहीं पता यार, थोड़ा सैर में नहीं यार, करण ज्यादा पोषण हो जाएगा सैरलैक। इसके ऊपर स्पॉटलाइट भी नहीं है बेचारी के ऊपर। अरे तू आगे करना फिर वो देख, जबकि ये ब्लॉग के लिए स्पॉटलाइट है, पानी वाला ही है। अशु पानी वाला ही है, उसको उठाना उठाऊंगे तो मुझे डर लग रहा है। पानी जैसा लग रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। और डाला उसने, मगरमच्छ की तरह पड़ी है। अरे बाप रे, इट वर्क्स। अरे आ गया आ गया। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अरे बाप रे, तो बहुत भूख लग रही थी इसको। सर ने किस स्मेल जूंगी ऊपर आ गई। और डाल दो थोड़ा सैलेड। नहीं, इसको खाने दे। थोड़ा पानी डाल दो। नहीं नहीं, और खाने दे इसको आराम। ये तो मुझसे ज्यादा खा रही है। किसे खा रही हूँ बेचारी, कितनी भूखी थी। हाय मेरा बच्चा, कूटी कूदी है जो, वो तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। सॉफ्ट किटी नहीं कर पाया तो वार्म किटी गया था तीन। आशु कूदते हुए नहीं कर पाया मैंने। तीन बार सॉफ्ट किटी वार्म किटी गया, वो उठ गई, तीनों बार उठ गई। मैंने शेल्डन का गाना वर्क्स। हाँ, बहुत भूख लग रही है इसको, देखो तो सही कर खा रही है। इतना तो मैंने भी तेज लिया है भूख के टाइम पे। हाँ यार, इतना तेज तो तू भी नहीं खाती। इसके पीछे वाले पैर कमजोर से क्यों लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़े समझ में लग रहा है, देखते कल बैठ के बाद पता लगेगा क्या सीन। डब्बा चाड़ी हुई, मुझे लगा इसको धोने की जरूरत नहीं, ये चाड़ जाएगी। वेट वाइप्स लाओ कुछ। इसको घुमा दे जितना वो। और बाय द वे, इसका नाम अभी हमने सोचा है मीसा रखने का। जापानीज एनीमे में एक कैरेक्टर है मीसा का, अभी फिक्स नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं। मीशी ज्यादा अच्छा नहीं, मीशी। आप कमेंट करो कौन सा नाम आपको अच्छा लगा। और क्या है, मीसा था और क्या रखने को बोला था? मीसा मीसा नहीं, एक एल से भी कुछ था ना, ल्यूक। ल्यूक नहीं, लड़की का नाम ल्यूक। मुझे ब्रूस नाम इतना पसंद है, बड़े फीमेल है। बट मुझे आप सजेस्ट करो कौन सा नाम अच्छा है। फॉर नाउ हमने रखा है मीसा,
और मीसा चाट गई है सर, पैर अंदर रख के। मीसा फैंस बहुत गुस्सा हो जाएंगे ये देख के। वो देख तो उसका पैर तो देखा, पैर ऐसा अंदर रख के चाट रही है। She will be into it. मुझे लगा थोड़ा बड़ा बाउल होता तो अंदर बैठ के भी चाट सकते A few moments later. कैसे घूम रही है इधर उधर? कहाँ से? नो 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 नो, मेरे ऊपर तो तुम पॉटी मत ही करना। फाइनली बज गए 10 और वी बोथ आर वेरी टायर्ड, क्योंकि जब से इस मिसा को लेके आए हम लोग तब से उसने कुछ दो बार पॉटी कर ली और 20 बार आई गेस सुसु भी कर लिया। और जहाँ जिस कोने में भी आप बोलो वहाँ सुसु कर लिया, कोई कोना इसने छोड़ा नहीं है। सो अभी फाइनली सो रही है, एज यू कैन सी। इसे हमने बेड देने की भी ट्राई की बट इसको जमीन इतनी पसंद है खिसक जाती है। हमने उसे 2-3 टाइप के कपड़े दिए अलग अलग, फिर बेड शीट दी, बेड भी दिया, तकिए भी दिए, किसी पे नहीं सो रही, बस ऐसे ही गली के कुत्ते पड़ी है, नीचे ही पड़ी है। और अच्छा है, हमने चार बार आई गेस 3 बार हमने खाना खिलाया, तो खाना तो खा रही है अच्छे से, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई भी नए बच्चे को लेके आते तो प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर डायरिया या फिर ऐसा कुछ भी फूड चेंज होते, पर अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल जाएंगे वेट के पास आगे देखने के लिए कि वैक्सीनेशन कब करवानी है, अभी तक कुछ हुई नहीं है। शी इज 35 डेज ओल्ड, तो कल वेट से जाके डिटेल में पूछेंगे क्या क्या डाइट करनी है, कब वैक्सीनेशन लगवानी है और सब, पॉटी ट्रेनिंग कैसे करनी है और एवरीथिंग। सो नाउ वी आर फाइनली टायर्ड, इट्स टाइम टू स्लीप। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर मीसा आपको पसंद आई, देन हिट द लाइक बटन, नया हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट हमारा अब व्लॉग लाए हो उसकी सबसे पहले अपडेट मिले। विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।